दोस्तों, ओडिशा राज्य की सांस्कृतिक और व्यापारिक राजधानी कटक वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पहले ओडिशा की मूल राजधानी हुआ करती थी। महानदी और काठजोड़ी नदियों के मिलन से बने एक उपजाऊ डेल्टा पर स्थित कटक अपने भव्य स्मारकों और सांस्कृतिक जीवन की जीवंतता के लिए जाना जाता है। पर्यटक यहाँ घूमते हुए मंदिर, किले, पहाड़ आदि सब देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक ट्रैवलर के लिए अपनी गोद में क्या क्या समेटे हुए है ओडिशा का प्राचीन शहर कटक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर एक पर आता है बाराबाटी किला, महानदी के किनारे स्थित है, जो अपने खूबसूरत वास्तुकला और तराशे गए दरवाजों और 9 मंजिल महल के लिए प्रसिद्ध है। बाराबाटी किले के निर्माण गंगा वंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। ऐसी मान्यता है कि युद्ध के समय नदी के दोनों किनारे पर बने किले इस किले की सुरक्षा करते थे। वर्तमान में इस किले के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जो 5 एकड़ में फैले इस स्टेडियम में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। नंबर दो पर आता है धवलेश्वर मंदिर। धवलेश्वर मंदिर कटक से 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सम्पन्न हुआ था। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला और परिसर भी काफ़ी प्रभावशाली है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में पंचकुला त्यौहार को भी धूमधाम से मनाया जाता है। कटक से इस मंदिर तक पहुँचने के लिए नियमित रूप से बस और टैक्सी सेवाएँ हमेशा चलती रहती है। हैंगिंग ब्रिज धवलेश्वर शिव मंदिर का और एक प्रमुख आकर्षण है। ये ब्रिज भारत के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज में से एक है। नंबर तीन पर है डाबरखोल वाटरफॉल। हिंडल बड़म्बा फॉरेस्ट रेंज में स्थित है। ये बड़म्बा से 19 किलोमीटर और कटक से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर दो वाटरफॉल है, एक छोटा डाबरखोल जलप्रपात है और दूसरा एक बड़ा डाबरखोल जलप्रपात है। बड़ा डाबरखोल जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 200 फीट है। लगभग 1 किलोमीटर तक पहाड़ी सड़क पार करने के बाद जलप्रपात तक पहुँच सकते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए कई पर्यटक यहाँ आते हैं, इसलिए इस जगह पर साल भर भीड़ रहती है। तो जलप्रपात सर्दियों में पर्यटकों के लिए पिकनिक और ट्रैकिंग के लिए एक आकर्षक स्थान है। डाबरखोल जलप्रपात कटक में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर चार पर आता है देवझर वाटरफॉल एंड नेचर पार्क। तालपुंजी गाँव के पास हिंदल बड़म्बा फॉरेस्ट रेंज में स्थित है। ये नरसिंहपुर से लगभग 23 किलोमीटर और कटक शहर से 100 किलोमीटर दूर है। देवझर जलप्रपात स्थानीय रूप से नियनझर जलप्रपात के रूप से जाना जाता है। देवझर जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। जलप्रपात पार्किंग स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर दिखाई देता है। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए सर्दियों का समय सबसे अच्छा है। यहाँ कार पार्किंग और पर्यटकों के लिए अस्थायी खाना पकाने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं। देवझर जलप्रपात की तलहटी में एक चिल्ड्रन पार्क है। आप बगीचे में बैठकर हरे भरे जंगल के दृश्यों को देख सकते हैं। डाबरखोल जलप्रपात देवझर जलप्रपात से केवल 5 किलोमीटर दूर है। नंबर पाँच पर है डमडमणि पीठ। चौदार से लगभग 12 किलोमीटर और कटक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डालोजोड़ा के हरे भरे जंगल के बीच देवी डमडमणि मंदिर है। ये पिकनिक मनाने वालों और भक्तों के लिए एक आदर्श स्थान है। डमडमणि पीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर डमडमणि नामक एक छोटा जलाशय है। डमडमणि बांध कटक के पास एक अविश्वसनीय जगह है, जिसने एक खूबसूरत पर्यटन स्थल का स्थान ले लिया है। पिकनिक स्पॉट शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए आप सूर्योदय से पहले घूमने जा सकते हैं। इस बांध का वातावरण सुंदर और शांतिपूर्ण है। नंबर 6 पर आता है अंशुपा झील। महानदी नदी के उत्तर की ओर स्थित है और कटक से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील बांस के पेड़ों और आम के पेड़ों से ढकी हुई है। ये जगह सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों के लिए एक आश्रय स्थल भी है। अंशुपा झील की मुख्य आकर्षण पैडल बोटिंग है, ताकि आप झील के भीतर नौका विहार का आनंद ले सकें। ये ताजे पानी की झील है, जो सरोंडा पहाड़ के किनारे स्थित है। झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जो लोगों को वीकेंड पिकनिक और नौका विहार के लिए आकर्षित करती है। झील के पास दो खूबसूरत पार्क और एक बांस की कॉटेज है। झील को विभिन्न रंगों और सुगंध के बेशुमार फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है।
नंबर 7 पर आता है भटारिका मंदिर। भटारिका मंदिर महानदी नदी के तट पर और बड़म्बा से 10 किलोमीटर की दूरी पर और कटक शहर से 82 किलोमीटर दूर स्थित है। माँ भटारिका इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। सर्दी और बसंत के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। महानदी नदी के किनारे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप नदी के अलावा पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। माँ भटारिका मंदिर कटक जिले में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 8 पर है चर्चिका मंदिर। बांकी में स्थित देवी चर्चिका मंदिर महानदी नदी के किनारे पर एक छोटी पहाड़ी रुचिका पर्वत पर स्थित है। ये कटक से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी चर्चिका बांकी की पीठासीनी देवी है। ये उड़ीसा का एक शक्तिपीठ भी है और भक्त यहाँ देवी चर्चिका की पूजा करने के लिए रोजाना आते हैं। दुर्गा पूजा इस मंदिर के मुख्य त्यौहार में से एक है। पणा यात्रा के अलावा धनु यात्रा, कुमार पूर्णिमा, बसंती पूजा और दोल यात्रा भी चर्चिका मंदिर पर बहुत धूमधाम और समारोह के साथ मनाई जाती है। नंबर 9 पर है अमंगेकुद। महानदी के भीतर स्थित एक सुंदर द्वीप है और ये कंदरपुर से 10 किलोमीटर दूर और कटक शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। अमंगेकुद के अंदर एक पश्चिमेश्वर मंदिर है। देवी अमंगेई मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। द्वीप की वातावरण बहुत शांत है जो आगंतुकों को एक बार फिर से दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने के लिए आकर्षित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा इस मंदिर का मुख्य द्वार है। कटक में अमंगेकुद पश्चिमेश्वर मंदिर एक पर्यटन स्थल है। नंबर 10 पर आता है कदमी रसूल। यूं तो भारत में कई मस्जिद है जिनके अद्भुत वास्तुकला पर्यटकों को हैरत में डालती है, लेकिन कटक में स्थित ये मस्जिद अन्य मस्जिदों से बेहद अलग है। इस धार्मिक स्थान का निर्माण मुसलमानों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर बनवाया गया था। मस्जिद के मुख्य परिसर के भीतर 3 खूबसूरत मस्जिदें, इनके गुंबद और कमरे बहुत ही आकर्षक है। एक गुंबद पर पैगंबर मोहम्मद के पदचिन्ह एक गोल पत्थर पर अंकित किए गए हैं।